जनरल उत्तर प्रदेश की यह खबर आ रही है। घनश्याम अनुरागी को मिले 18 मत तथा उर्मिला सोनकर को मिले 6 मत। उरई जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जिला पंचायत सदस्य अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे। बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से घनश्याम अनुरागी और कांग्रेस सपा की ओर से संयुक्त प्रत्याशी उर्मिला सोनकर मैदान में थी और मैदान के दौरान 25 सदस्यों वाली जिला पंचायत 24 सदस्यों के मताधिकार का प्रयोग किया। 3 बजे तक मतदान मई बता दें कि समाप्त होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने जहां पर प्रत्याशियों की मौजूदगी में मतगणना हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी घनश्याम अनुरागी 24 मतों से 18 मत प्राप्त होने पर विजय घोषित हुई। क्या आपकी रणनीति? हम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में है, दोनों जगह सरकार चला रही है। हमारे इससे और बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिले के प्रथम नागरिक बनने पर। अध्यक्ष जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी का हम बने हैं, जिले ने बनाया है, जिले के सदस्यों ने पार्टी को विश्वास और भरोसा दिया है, इसलिए हम देश और प्रदेश की जो बेहतर योजनाएं हैं उनको गांव-गांव तक लागू कराने का काम करेंगे और बेहतर जिले का विकास कराएंगे, ऐसा हम आपके सामने संकल्प के रूप में लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान ऊंचा करने का काम करेंगे। पिछली सरकारों ने नहीं कराया है तो अब भारतीय जनता पार्टी जहाँ केंद्र में और प्रदेश में भी है, तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते जनपद को क्या सौगात देंगे और क्या विकास कार्य करेंगे? देश मुझे पता है कि जिले में आप सभी सम्मानित मीडिया बंधुओं से आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिला पंचायत नंबर 1 पर विकास कराने का काम करेगी और जिला प्रदेश में जनपद जालौन एक अपना स्थान स्थापित विकास के नाम पर करने का काम करेगी।